नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो रोजाना हम अनुभव करते हैं और सीखते हैं, उन बातों को सरल भाषा में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तब हमारे YouTube और इन वीडियोज को आप जनता तक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके अवश्य पहुंचाएं। साथियों, रोजाना छोटी छोटी बातें सामने आती हैं और हम उन बातों के विषय में एक दूसरे से पूछते रहते हैं। आज मैं कुछ प्रश्न जो रोजाना आपराधिक मामलों में सामने आते हैं उन्हें रखने का प्रयास करता हूं। प्रश्न, क्या कोई मामला अदालत में कब शुरू होता है? इसका उत्तर, कोई भी मामला जब आपराधिक केस में चार्ज फ्रेम हो जाता है तब उस केस की शुरुआत होती है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्या आरोप पत्र दाखिल होने के बाद किसी मुकदमे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी अग्रिम विवेचना की जा सकती है? उत्तर, अगर पुलिस को कोई साक्ष्य मिलता है, दस्तावेजी हो या मौखिक, तब वह धारा 173 उपधारा 8 के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट पाती है यानी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को उस मजिस्ट्रेट को भेज सकती है। यदि चार्जशीट न्यायालय में पहुंच गई है और उसके बाद मजिस्ट्रेट ये पाता है कि विवेचना ठीक नहीं की गई है, विवेचना प्रॉपर नहीं की गई है, तब वह मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर सकता है। यानी दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिनमें चार्जशीट आने के बाद विवेचना की जा सकती है। अगला मेरा प्रश्न है, क्या एक मुकदमे में चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट हो सकती है? जी हां, ऐसा होता है, एक ही मुकदमे में चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों आती हैं। पुलिस विवेचना करती है और ये पाती है कि अपराधियों का पता नहीं लगा है या झूठा मामला है, तब वो FIR भेज देती है यानी फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम क्लोजर रिपोर्ट भी कह सकते हैं। कुछ समय बाद पुलिस की जानकारी में आता है कि एविडेंस है और अपराध हुआ है, तब वह चार्जशीट यानी आरोप पत्र भेज देती है। यह स्थिति अलग है, ये रोजाना की स्थिति है, ऐसा अमूमन होता रहता है। लेकिन आरोप पत्र भेजने के बाद फाइनल रिपोर्ट भेजी जाए, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजी जाए, क्लोजर रिपोर्ट भेजी जाए, ऐसा कम होता है। FIR के बाद चार्जशीट तो आती है, अमूमन होता है, लेकिन चार्जशीट के बाद फाइनल रिपोर्ट भेजी जाए, यह कम होता है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को एहतियात के तौर पर देखना पड़ता है। किसी मुकदमे में, जो ये प्रश्न है, किसी मुकदमे में चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट आती है तब कौन सी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट विचार कर सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इससे पहले प्रश्न में हमने बताया था दोनों चीजें आई हैं, आ सकती हैं या नहीं, उसका उत्तर था हां। अब दोनों बातें यानी पॉजिटिव नेगेटिव
यानी चार्जशीट और एफआर दोनों आ गए हैं। अब दोनों रिपोर्ट्स न्यायालय के सामने हैं, तब किस रिपोर्ट्स पर विचार करेगा? धारा 173 उपधारा 2 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दाखिल होती है और उसके कुछ समय बाद फर्दर विवेचना में, अग्रिम विवेचना में धारा 173 उपधारा 8 के अंतर्गत कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट दाखिल होती है, तब न्यायालय को दोनों रिपोर्ट्स पर विचार करना है। ऐसा नहीं है एक रिपोर्ट पर विचार करके छोड़ दे और एक पर कार्रवाई कर दे, ये गलत है। दोनों रिपोर्ट्स न्यायालय विचार करेगा और ये देखेगा क्या इन रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कोई अपराध किया गया है, कानून के अनुसार विचार करेगा क्या नामित आरोपी ने कोई अपराध किया है, और अपराध किया है तब ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक और उन मटेरियल और उन तथ्यों के मुताबिक उस पर कार्रवाई करेगा। साथियों, कुछ प्रश्न ये जो रोजाना लोगों के जहन में आते हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये बातें अनुभव की गई हैं और अनुभव की बातों के साथ साथ हम कुछ न्यायालयों के निर्णयों को भी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ये जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं, ये बातें लुकोसे जकारिया उर्फ जक बनाम जोसेफ जोसेफ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उस निर्णय के मुताबिक ये बातें, इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखी गई हैं। ये हमारी अपनी केवल अनुभव की गई नहीं है, अनुभव तो हम अन्य मामलों में करते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट में जजमेंट होता है तभी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, जिनका उत्तर देने के लिए मैं तत्पर हूं। धन्यवाद।